जो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं जीटीए सिटी। तो गाइस रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देख लिया, तो लास्ट टाइम जो हमने अपना मिशन सेव करा था उस मिशन का नाम है बोट स्टंट चैलेंज। यानी कि हमने उसके अंदर क्या करना था कि हमारे को वाटर के अंदर, यानी कि बहुत ही बड़ा समंदर था उसके अंदर हमें बोट चलाने को दी गई थी। वहाँ पर बोट को इंस्टेंट मारना था, यानी कि कुछ काफ़ी अजीबोगरीब तरह की जो है ना, यानी कि कुछ स्लिप टाइप की बनी हुई थी। तो मतलब मेरे जहन में नहीं आ रहा मतलब क्या चीज़ मैं आपको बोलूँ, तो भाई स्लीप टाइप की कुछ बनी थी। स्लीप के अंदर मेरे को जो है अपनी बोट को इंस्टॉल कराना, तो काफ़ी ज़बरदस्त मिशन था और बहुत हार्ड भी था मिशन, क्योंकि मैंने एक दफ़ा फेल हो चुका था। दूसरी दफ़ा मैंने ट्राई करा था तब जाके मैं वो मेरा मिशन पास हुआ था, क्योंकि एक ही दफ़ा के अंदर मेरा ध्यान जो बातों में लगा था, दूसरी दफ़ा जो मैंने काफ़ी अपना ध्यान जो यानी कि मिशन की तरफ रखा, तो भाई मेरा मिशन जो सेकंड टाइम के अंदर जो पास हो चुका था। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर भाई काफ़ी तगड़ा हम लाखों रुपए का नुकसान करने वाले हैं। करोड़ों का तो नहीं होने आ रहा, लेकिन जानों का नुकसान बहुत होने आ रहा है। तो जाने लाखों रुपए की तो नहीं है, जान की तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन भाई अभी जो हम नुकसान करने आ रहे हैं लाखों रुपए का होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी हम कारों को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और काफ़ी सारी जाने भी जाने वाली है। तो बहुत ही हंगामा होने वाला है, गैंग गैंग के अंदर फाइट होने वाली है। हमारी गैंग होगी तो एक सामने वाली गैंग होगी, तो भाई देखते हैं क्या करना पड़ेगा आज की इस मिशन के अंदर। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करो मेरे चैनल पे नए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं गेम को, चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर हम आकर यहाँ पर आने के बाद हमने अपना मिशन को स्टार्ट कर लिया, और इस मिशन का नाम है कैनन फूडर। तो गाइस इस कैनन फूडर के अंदर देखते हैं भाई ये मोटर जो आ रहा है, ये हमें काफ़ी देर से हमें मिशन देने के अंदर लगा हुआ है। तो भाई देखते हैं आज का यहाँ मिशन क्या देने वाला है। यानी कि इस मिशन के अंदर मैंने आपको जैसा भी बताया कि हमारी गेम से जो बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है, और इस गेम के वो फाइट जो करना है, यानी कि बहुत से लोग अगर इस मिशन वो ज़्यादातर इनका मिशन ही फेल हो जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही बड़ी गेंग है, और वो गेंग जो उनका एक आध बंदा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बंदे, और हमारी भी गेंग होने वाली है भाई। हमारे साथ भी कुछ बंदे होने वाला, हमारे बंदे भी मरेंगे, जाहिर सी बात है। अब ये तो नहीं है कि हमारे बंदे सारे ही लोहे के बने हुए, तो भाई हमारे बंदे ही मरेंगे। लेकिन इस मिशन के अंदर मैंने आपको बताया था हर वीडियो के अंदर टिप्स एंड ट्रिक जरूर दूंगा, ये बोला गो आ कार एंड पिक द ओशियन फ्रॉम आउटसाइड। तो यानी कि मेरे को जो भी कार चाहिए, फोर व्हीलर कार चाहिए, सॉरी फोर व्हीलर कार तो होती है, फोर डोर कार चाहिए मेरे को, ताकि उसके अंदर चार गेट हों उसके अंदर। तो अब यहाँ पर जो मैं चिट कोड लिखता हूँ, तो मैंने चिट कोड यहाँ पर अप्लाई कर लिया, रॉक एंड रोल मैंने यहाँ पर मैंने लिख लिया, क्योंकि इससे जो रॉक एंड रोल मैन से जो चार डोर वाली जो कार आ जाती है, क्योंकि चार बंदे इस कार के अंदर बिठाने हैं, तो अगर दो बंदे बिठाने नहीं लेंगे तो भाई इसके अंदर हमारा मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने चार बंदों को बिठाने के लिए कार मंगा ली है, और यहाँ पर अभी देखते हैं अपने पिंक पॉइंट में आ गया, और यहाँ पर अभी देखते हैं अपने मिशन के अंदर। तो यहाँ पर बंदे आके कार के अंदर बैठ चुके हैं, और ये बोला वी गोना फाइट लाइक मैन। तो गाइस अभी इस मिशन के अंदर टिप्स एंड ट्रिक में क्या देने वाला है, ये बोला गो एंड ड्रॉप द क्यूबन ऑफ एट द फाइट। तो गाइस अभी फाइट करने के लिए निकल गए हैं, और लिटिल हिटिंग गैंग से हमारी फाइट होने वाली है, विल बी आर शोइंग विद हिटिंग गैंग। तो गाइस हिटिंग गैंग यानी कि जो हमारे सामने वाली गैंग है, उस गैंग का नाम है हिडन गैंग। तो अभी उस मिशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंट ट्रिक ये देने वाला हूँ कि म्यूटर टूल्स लिख लेना। म्यूटर टूल्स जो है एक मशीन गन आ जाएगी आपके, मशीन गन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गन्स है, तो आप सभी को मालूम होगा, और मैं हर मिशन के अंदर मैं मशीन गन्स को ही यूज़ करता हूँ जीटीए सिटी खेलते हुए। तो भाई जीटीए सिंड्रियास के अंदर मैं मशीन गन का कोई चिट कोड है नहीं, तो वहाँ पर सीक्रेट प्लेस पर जाके हम ला सकते हैं। तो सीक्रेट प्लेस भी मैं अभी काफ़ी टाइम के अंदर उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस अभी हमें अपने पिंक पॉइंट पर आ गए, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे कुछ बंदे पहले से ही खड़े हुए थे। हाय आई एम गो गुड टू सी यू और स्टेकिंग नेस्ट आईटिंग बोले, ये बोला चार्ज। तो गाइस ये बोला चार्ज इसने इसलिए बोले था कि चार्ज हो यानी कि स्टार्ट हो। तो यहाँ पर अभी मैंने दो से तीन दफ़ा न्यूटर टूल्स में लिख लिया, चीट एक्टिवेट हो चुका है मेरा, और यहाँ पर न्यूटर टूल्स में ना ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ था। तो यहाँ पर न्यूटर टूल्स आप सभी को पता है मशीन गन आएगी। तो यहाँ पर अभी देखें एक मिनट के अंदर हमने लाखों रुपए की कार की वहाँ पर कर दी है, और यहाँ पर बंदों की जानों को तो कोई अता पता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हमारी बंदों की जाने जाने वाली है। और यहाँ पर मैंने एक और चिट कोड अप्लाई करा प्रीचेस प्रोटेक्शन, ये बोला नाउ मी ब्रदर चार्ज। तो गाइस यहाँ पर हमारे बंदों की जो जानों को खतरा है, तो अभी देखते हैं क्या सीन है। ओ भाई ये तो सारे मर गए, तो यहाँ पर मेरे को इमरजेंसी कॉल करनी पड़ेगी। एक तो जल्दी से कहिए बोला स्नाइपर ऑन द रूफ, यानी कि स्नाइपर लेके रूफ के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ, दे फाइट लाइक गर्ल टेक कवर, ये बोला मेरे को कवर दो। तो भाई कवर कहाँ से देगा, बंदे ही नहीं मेरा पीछे, तो वी नीड इनफर्नेस। तो गाइस यहाँ पर इसने कॉल करके कुछ बंदे बुलाए, यानी कि हमारी टीम के लिए और बंदों की जरूरत थी, क्योंकि हमारे सारे बंदे मर चुके, तो यहाँ पर और बंदे भी आ गए टैक्सी के अंदर, तो इनके साथ है ये मेरे को अभी कवर करेंगे, तो ये मेरे को बेक देंगे। तो मैं थोड़ा फ्रंट पे जाके थोड़ा अभी फाइटिंग करने वाला हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की फाइटिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बंदे होने वाले हैं इस फाइटिंग के अंदर। टेक आउट डेट क्राउडली स्नाइपर, ये बोला रश बहुत है, और स्नाइपर लेके बंदा खड़ा हुआ छत के ऊपर, सबसे पहले मैं इसको किल करूँगा। तो ये बोला फिनिश ऑफ द रेस्ट ऑफ द हिटिंग सो क्यूबन कैन यू मूव फॉरवर्ड। तो गाइस अभी सारों को यहाँ पर मैंने किल कर दिया, और भाई थोड़ा सा और आगे जाके देखना पड़ेगा, आप कितने सारे बंदे आ रही है गेम के।
तो गाइस यहाँ पे अभी बहुत सारी लाशें बिछा दी हैं, फाइट लाइक मैन विद हग कॉन्जिनस, पता नहीं इसने अभी क्या बोला क्योंकि अभी थोड़ा सा ये चल गया। तो अभी देखते हैं बड़ी स्पीड के अंदर भेजते हैं, सारा लिखा हुआ ना ये बोले टोमी भी है वापस रोड टू योर मेंटल ब्रेवल। तो गाइस अभी जो हमारे को ये कार लेके जानी पड़ेगी जो कार मेरे बैग के अंदर खड़ी हुई है, लेकिन इस कार को कब लेकर जाना है, कार तो मतलब अभी भी ले जा सकते हैं, पहले इन सारे बंदों को मैं किल तो कर दूँ, अगर मैंने इनको किल नहीं करना साले और आ गए तो मेरे को कार से निकालेंगे, मेरा मिशन फेल हो जाएगा, तो ये थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो मैं इसलिए करूँगा एक मिनट और लेकर जो पहले सारे बंदों को किल कर लूँगा, फिर आराम से मैं अपनी कार को लेकर भागूंगा, फिर मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे यहाँ पर जितने भी बंदे सारों को किल करता हूँ फटाफट से, क्योंकि अपने तो पैसे लगे नहीं है, चिटकोड अपन ने ऐसा खतरनाक लगा हुआ है कि बंदों का कचुंबर निकलना मिनट के अंदर भाई। तो यहाँ पे सारे बंदों को टपका दिया, तो कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा, जल्दी से मैं अपनी कार के अंदर बैठता हूँ, इसी कार को मेरे को लेके जाना पड़ेगा। और कहाँ पर लेके जाना तो देखते हैं, जहाँ पे अपना हमारा मिशन स्टार्ट हुआ था उसी जगह पर मेरे को इसको लेके जाना पड़ा रिटर्न टू द रोबिनेस कैफे विथ द वैन एंड पार्क द राउंड। तो गाइस यहाँ पर भी ये लोअर टीम के बंदों ने बहुत पिचका दिया अपन ने, तो यहाँ पर अभी मैं चिटको लिखूंगा क्योंकि मेरी कार जो पंचर हो चुकी है, तो ओ भाई पुलिस ही पीछे लगी हुई है, सबसे पहले तो मेरे को पुलिस हटानी पड़ेगी, ज़्यादा पुलिस वाला आ गया ना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पुलिस भी हटा दी है, और यहाँ पर अभी एक और चिटको देखना पड़ेगा क्योंकि मेरी कार पंचर हुई है, तो यहाँ पर ए स्प्रिन लिखूंगा। ए स्प्रिन से क्या होता है, मेरी कार वापसी से रिपेयर हो जाती है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पर ए स्प्रिन जैसे लिखूंगा तो मेरी कार भी जो सही हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने स्प्रिन जो है अपना कैमरा सही कर लूँ, यहाँ पर कार भी सही हो गई अपने, यानी कि कार रिपेयर तो पंचर सही हो गया भाई, कार रिपेयर नहीं हुई, कार की तो माफी नहीं कोई अच्छी खासी। तो यहाँ से जाते हैं और अपने पिंक पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये मतलब काफ़ी ज़बरदस्त मिशन है, इस मिशन को करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को, क्योंकि इसके अंदर जो है बंदों का काफ़ी कचुंबर जब निकलता है ना फिर मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन भाई किसी किसी से ये मिशन पास ही नहीं होता, क्योंकि बंदे जो गैंग वाले जो है बहुत ही ज़्यादा हरामी होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है उनको किल करना। जो भाई फर्स्ट टाइम खेल रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और जो खेलते रहता है तो उसके लिए जैसे मेरे को इन्जॉय करने को मिल रहा है इस मिशन को करने के बाद। तो आप भी जैसे पुराने अगर व्यूवर्स हैं, तो अगर आप इस मिशन को पहले भी कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये मिशन। तो भाई यहाँ पर अभी मैं उतरता हूँ, तो उतरना यहाँ पर नहीं है, थोड़ा बैक साइड पर उतरना पड़ेगा इसके। तो इस कैफे के ऊपर हम आ गए और यहाँ पर अपनी वैन के अंदर से देखते हैं भाई अब यहाँ पर वो कितने डॉलर्स वगैरह मिलने वाले हैं। मेरे को यहाँ पर 2000 डॉलर्स मेरे को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी मैंने लाइक, और ये जो मेरा मिशन पास हुआ 2000 डॉलर्स मेरे को इस मिशन में मिल चुके हैं। तो गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा मिशन करने वाले, और भाई हाँ भी यानी कि जो अभी हमारे जो मिशन स्टार्ट हुए हैं वो इसी जगह पे, यानी कि इसी कैफे पे हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट मिशन में। तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे जाने से पहले यानी कि सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं गेम को नेक्स्ट टाइम, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए भाई गुड बाय।